हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो आज जा रहे हैं हम सुरार वैली की ओर। तो वहाँ पर भी अभी थोड़ी थोड़ी सी स्नो है, तो आपको इस ब्लॉग में दिखाएंगे कि कितनी स्नो है उधर। तो हम जा रहे हैं और मेरे साथ है मेरी सिस्टर है, वो भी आ रहे हैं मेरे साथ। यहाँ पर बड़ा पानी होता था, काम नहीं रोड पर चलता था, अभी ये नाले बुला दिए। क्या लिखा है? क्या नाम है? क्या आप पता, मैं अभी पहली बार सुन रहा हूँ। ग्लेशियर देखा? ये देखो गाइस, ग्लेशियर। तुमको ठंड थोड़ी होती है?
वहाँ ऊपर है। चल तो रही है भाई। उधर जा, इस साइड को उधर जा। यार बाइक फंस चुकी है। बहुत गंदा रास्ता। वहाँ का वहाँ पे जो झील है वो कहता है इनका है। अच्छा।
और ये है ग्रीन तारा, ग्रीन तारा जैसे इनका नाम है। वो कौन है प्रिंसेस है ये? अब इसका इतना जानकारी नहीं है। ये तो गौतम बुद्ध है। ये है ग्रंथ है। आप लोगों ने पढ़े? हाँ जी आप लोगों ने पढ़े हैं। अन्यार जो लामा होता है वो लोग पढ़ते हैं ना, ये उन्हीं की लैंग्वेज में लिखा होता है। हाँ जी हाँ बुद्धिज्म में लिखा। ये सारे पीस के लिए होते हैं, शांति के लिए। हाँ जी ये सभी पीस के लिए होते हैं, शांति के लिए होते हैं मंदिर सारे। हाँ जी हाँ वहाँ सारे फोटो वहाँ से क्यों सुना है? फोटो चाहिए जिन्होंने ग्रंथ लिखा था वो उनको कहते हैं गुरु पद्म संभावना ने वो किया है। क्या होता है शिक्षा ड्रैगन ड्रैगन तो बने होते हैं हर पेंटिंग में ड्रैगन ड्रैगन की शेप होती है। ये तो अब हमारे में मान लो होता है जैसा सिंबल साइन है सिंबल आप लोग तो सिंबल वो ड्रैगन थैंक यू चलो आपको मैं पुराने मंदिर का दर्शन करवा गरम है इधर क्या? गरम है ना अंदर ठंडा है फिसल रहा है। अब हमारे में होता है उस टाइम पूजा के समय होता है ऐसे ही नहीं होता। और भीड़ वगैरह में डॉक्टर मुझे से मेरे घर में खुशी पाई ना बोली कि मैंने कभी पूछने का कोई नहीं मैंने कभी वो नहीं होते कभी कोई आज आप मिल गया और पूछ लेते हैं भोग जैसा भोग चला तो जब गौतम बुद्ध के उसमें है कि जो मंस वगैरह होते हैं जो गौतम बुद्ध के अगर धर्म के हिसाब से चले तो जितने भी मांस वगैरह होता है उनको भिक्षा मांगने के लिए जैसा आप घर घर जाके भिक्षा लो उसके लिए ओके जैसा आप मुलाकात खुद भी नहीं कमा सकते हैं जो आप दिहाड़ी मजदूरी करते हैं नहीं कर सकते। अब गौतम बुद्ध अच्छा, जो मॉन्क्स होते हैं वो इसलिए नहीं करते हैं रेड रेड ड्रेस पहनने के लिए। जी उनका अब उन वो भी डिपेंडेंट रहता है जैसा किसी और पे डिपेंडेंट रहता है स्पॉन्सर पे डिपेंडेंट रहता है। अब जो स्पॉन्सर आता है उनको अब जो स्पॉन्सर आता है वो अपना तरफ से डोनेट करता है जो पैसा वगैरह तो फिर उन्हीं से उनका गुजारा वगैरह जैसा उनका कपड़ा हो गया खाना पीना सभी उसी से। अब फिर जो मांस होता है वो फिर उनके लिए प्रार्थना वगैरह करता है प्रेयर वगैरह। मैंने सुना था है कि जब बुद्धिस्ट लोग जो जब भारत में आए थे तो उनको स्पेशल इसीलिए बुलाया था कि वहाँ शांति है ना। और गुरुपद्म स्वभाव का होता है जो मूर्ति है भगवान बुद्ध के राइट साइड में होता है कहते हैं कि सब भगवान गौतम बुद्ध के बाद सबसे ज़्यादा प्रचार इन्होंने किया था।
बुद्धिज्म के लिए अंजन जाना। तो इसी वजह से गुरु पद्म के संभाव की वजह से महायान का जन्म हुआ। और ये है क्या अशोक सम्राट है, राजा अशोक सम्राट हमारे लिए इसको मिटुप्पा होता है ना, ये है अशोक सम्राट जो गुरु पद्म संभाव के बाद इन्होंने ये सबसे ज़्यादा प्रचार किया करते हैं धर्म का, बौद्ध धर्म का। और इनका कहते हैं भविष्यवाणी जब गौतम बुद्ध थे उसी टाइम हुआ था, किया गया था बेटा भगवान बुद्ध द्वारा कि भाई एक टाइम पे ये बहुत ही मतलब अहंकारी राजा होगा और सबसे ज़्यादा प्रचार भी यही करेगा। और ये जो ये महाकाल है कालीवाणी अंजन, हाँ हम लोग मानते हैं ना, हम लोग इसको पूमा कहते हैं। अब ये जो तारक ये हमारा अवलोकतेश्वर है और कहते हैं हमारा भी माना जाता है कि शिव अवतार है अवलोकतेश्वर। ये है महाकाल का एक और अभी तो बड़ा पुराना है ना इस वजह से थोड़ा वो हम लोग इसको छतन बोलते हैं ना। अब हमारे में सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है इसको, जैसा ये जो बनाता है इसको पवित्र इसका भगवान, तो भगवान का मूर्ति तो होता है जो मतलब छोटे से इसके अंदर जो ज्यादा जैसे इसका प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उस टाइम हम जैसा इसमें जाता है अनाज वगैरह जाते हैं। अच्छा। और धातु वगैरह जैसे आपका सोना चांदी जो भी सब में होती है, जी जी हाँ सब में होता है। और जो मूर्ति के अंदर भी डाला जाता है वही सेम सभी जितनी भी मूर्तियां बनाई जाती हैं सभी सभी में जाएगा, अन्य तो जाएगा ही जाएगा। और इसमें ग्रंथ वगैरह भी डाला जाता है जो मतलब पवित्र पवित्र चीज होता है वो सारे जाते हैं, जैसे धूनी हो गया ये सब जाता है इसमें। धूनी तो होता है जो लामा वगैरह होता है उनके पास होता है ना, उसका जैसा कहीं वो जो बुरा वो चीज के लिए ये है कि थोड़ा बहुत ड्रेसअप हो गया, लैंग्वेज हो गया, बाकी ज्यादा फर्क नहीं है, सेम सेम है। तो सारे हमारा में माना जाता है कि जो बुद्धिज्म का वो हुआ है संस्कृत से ही हुआ है। ये तो ऐसे ही अच्छी ऐसी बनाई है, मैंने किसी चीज का सिंबल अब इसका तो इतना जानकारी नहीं है ना, मतलब ये जैसा सिंहासन का जो पीछे नहीं होता वो बनाया हुआ है उस पर जो ये चित्र बनाया है, तो इसका भी कोई मीन्स होता है ना, इसका जानकारी नहीं है इसमें नहीं जी। अब उनमें भी कई तरह के होता है, कुछ होता है शादी करता है उसको हम कहते हैं नप्पा बोलता है, जो शादी करेगा नप्पा जैसा तांत्रिक टाइप का। अच्छा शादी कर देते वो तांत्रिक टाइप का, जो शादी नहीं करता है फिर उसको हम गेलोंग होता है वो मतलब दूसरी साइड में आगे साइड एक अच्छी साइड नहीं नहीं है तो अच्छी है तांत्रिक मतलब अब ऐसा जो क्या कहते हैं तांत्रिक, अब एक शब्द में बोला जाए तांत्रिक उसका कोई वो नहीं होता है नेगेटिव करने का, वो नहीं होता है पॉजिटिव साइड का होता है मतलब बुरी चीज को खत्म करने के लिए, जैसा कहीं बुरी नजर लगा होता है उसके उस पे जो झाड़ू फूंक करने के लिए वैसे उनका फिर ड्रेस भी चेंज हो जाता है। हाँ। सब तीन उसमें होता है जैसा रेड हो गया वाइट रेड हो गया ड्रेस में भी सेंटर में बीच में जो होगा वो सफेद होगा उनका। हाँ जी हाँ गर्मियों में Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
सो गाइस, कैसी लगी आपको गोम्पा की हिस्ट्री, तो कमेंट में जरूर बताना कि कैसी लगी आपको गोम्पा की हिस्ट्री, तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना, और सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।